के चलिए 60 से लेके 70% तक फाइनेंस हो रहा है नशे हैं, यहाँ भी सब्सिडी भी आ रही है जी सर, कौन से राज्य में आ रही है सर? जैसे मान के चलिए बिहार तो ऑलरेडी चल ही रहा है आपका, है ना, जैसे मलकीत का ये नया मॉडल है हमारा मलकी असेंबली जो 7 नंबर का एक इंजन बना रहे वीई सीरीज का 137 हॉर्स पावर का फ्यूल टैंक है, ये कितने लीटर का फ्यूल टैंक? कार ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मलकीत 997 कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में, तो इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम देंगे। पूरी जानकारी हम सर से लेते हैं, जैसे कि आपने एक बार पहले वीडियो में भी आप इनसे मिल चुके, आज फिर आपको इनसे मिलवा देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले अपना शुभ नाम, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने किसान भाइयों को। मेरा नाम सुखमीत सिंह है, ठीक है। पहले तो मैं कार ड्रीम जो टीम है आपकी हमारी कंपनी में पहुँचने पर आपका वेलकम करता हूँ, ठीक है। पहले भी आपने हमें बढ़िया रिस्पॉन्स दिया, 2-4 वीडियो हमारे बनाए, पहले अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। थैंक यू। और दूसरा, मेरा नाम सुखमीत सिंह है, मार्केटिंग मैनेजर। आप यहाँ आए हैं तो हमने एक नया प्रोडक्ट, चलिए आप आए हैं तो रिसेंटली हमने बनाया है, उसके बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं किसान भाइयों के साथ। जी सर। ठीक है। जैसे मलकीत का ये नया मॉडल है हमारा, मलकीत सुपर डीलक्स करके मॉडल आ रहा है, इसमें क्या हमने कुछ चेंजेस किए हैं दूसरी कंबाइन से जो हमारी है, हाँ दूसरे से चेंजेस किए हैं इसमें कुछ हमने, ठीक है। एक तो इसमें मेन चीज़ देखिए, जो हेडलाइट चेंज कर दी है इसका हमने, ठीक है। क्रिस्टल लाइट यूज़ किए हैं इसमें, क्रिस्टल लाइट यूज़ किए हुए हैं हमने। दूसरा, इस पर जो पेंट है, पेंट की क्वालिटी है PU यूज़ कर रहे हैं, PU पेंट किया जा रहा है इस पर। मेन चीज़ इसमें क्या है, जो गेयर बॉक्स हो गया, हैवी ड्यूटी गेयर बॉक्स यूज़ कर रहे हैं इसमें, 4 और 5 स्पीड। ये 4 और 5 गेयर में अवेलेबल है, दोनों में ही है। तो इनकी कीमत सेम रहेगी, अलग अलग होगी सर? इसका थोड़ा डिफरेंस रहता है, जैसे 4 गेयर और 5 गेयर का डिफरेंस रहेगा थोड़ा, ठीक है। वो कुछ ज़्यादा नहीं है, 25 से लेकर 30 का डिफरेंस है गेयर में। बाकी इसके जो ब्रेक हैं, ब्रेक में इसमें हम 2 तरह के ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक। वो चॉइस है कस्टमर की, एज़ पर रिक्वायरमेंट वो दिए जाते हैं हमारे यहाँ, है ना। देखिए इसमें क्या है, हमने जो चेंजेस किए हैं इसमें, शील्ड कवर हो गया एक तो, ठीक है, ये सेफ्टी के लिए लगा दिया हमने। दूसरा, ये आपका ईजीली खुल जाते हैं यहाँ से, ना इसमें सेफ्टी रहेगी इसको, ये देखिए, ये देखिए। बाकी इसमें क्या है, हमने जैसे बैरिंग है, बैरिंग की जितने भी यूज़ कर रहे हैं हम, 7 नंबर यूज़ कर रहे हैं इसकी असेंबली जो 7 नंबर कर दी है, पहले 6 और 5 आया करती थी, अभी 7 नंबर है। थ्रेशर और गाइड ड्रम के लिए सॉफ्ट यूज़ हो रही है, 11 नंबर यूज़ हो रही है, मोटी होगी सॉफ्ट की, मोटाई कर दी है, बैरिंग भी मजबूत रहेंगे। बैरिंग भी देखिए, जैसे 6 नंबर थे अभी 7 हो गए, तो मजबूत पहले से मोटे ही हुए हैं पहले से, है ना, उसमें टूटने की दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, है ना। जैसे चलते हैं टेम्पर होते हैं, टेम्पर होने के बाद के टूट जाते हैं, तो मोटाई बढ़ने से क्या उस सॉलिड हो गए थोड़े और, है ना। दूसरा, हमने जो एलिवेटर है उसको अलग अलग चलता कर दिया, यहाँ से दोनों एलिवेटर अलग अलग चल रहे हैं हमारे, पहले एक ही बेल्ट चलाया करते थे, अभी अलग अलग किए हैं हमने इसको। जी जी। बाकी इंजन इस पे देखिए, 2 तरह के इंजन यूज़ कर रहे हैं हम, एक तो अशोक लेलैंड का इंजन आ रहा है आपका 101 हॉर्स पावर में, दूसरा जो आ रहा है हमारे पास वॉल्वो और आइशर मिलकर एक इंजन बना रहे वीई सीरीज़ का 137 हॉर्स पावर का, उस इंजन को भी यूज़ किया जा रहा है किसान भाइयों का, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स के लिए भी। हॉर्स पावर ज़्यादा होने से क्या, बीच में जैसे डिमांड हो रही है कि SMS चाहिए, फोर व्हील ड्राइव और SMS में क्या एक्स्ट्रा पावर चाहिए कंबाइन को, है ना, तो वो इंजन कैपेसिटी के हिसाब से पावर पूरी कर रहा है। लेलैंड का भी अच्छा रिस्पॉन्स है, लेलैंड दे रहे हैं। आपने बताया इंजन बड़ा है, तो उसकी एवरेज क्या कुछ रहेगी? एवरेज उसकी सेम ही रहती है, देखिए जब अंडर लोड चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जब लोड पे होगा तो डीजल कंजम्पशन बढ़ती है, अदरवाइज तो सेम ही चलेगा वो, ठीक है। मेन चीज़ देखिए इसमें क्या, हमने जो इसका रियर एक्सल है, इसका सेंटर आउट किया हुआ है। सेंटर आउट मतलब, मेरे कहने का मतलब ये कि एक टायर जैसे मेड वगैरह आती है ना, तो गाड़ी झटका नहीं मारेगी, एक टायर पहले निकलेगा आपका, दूसरा बाद में आएगा, इजीली गाड़ियों बैलेंस बनेगा, गाड़ियों की तरह जैसे गाड़ी चलाते हैं हम वैसे। जी जी। बाकी इसमें टेल है, नई टेल यूज़ की है हमने, सिंगल शीट इसको बना रहे हैं, पूरी फोल्डेबल है आपकी, कभी स्ट्रॉ वॉकर वगैरह निकालने तो पीछे से खुल जाती है, पूरा उतारने की ज़रूरत नहीं है आपको, इजीली यहाँ से इसको खोलेंगे, कोई भी काम कर रहे हैं इजीली आप काम कर सकते हैं। कंपनी का खुद का SMS लगता है सर, या बाहर से? कंपनी का खुद का लगा रहे हैं हम, देखिए जैसे हमने लगाया हुआ है कुछ गाड़ियों में, दिखा भी देता हूँ आपको, जैसे हमारा ये फिटिंग है देखिए SMS की, ये मलकीत सुपर SMS है हमारा, ये लगा के फोल्डेबल SMS लगा रहे हैं हम, तो ये SMS लगा के दे रहे हैं साथ में, ठीक है। बाकी इसमें देखिए एक चीज़ और है, इसमें जैसे मैंने बताया रेडिएटर की जो जाली है
सुपर डीलक्स मॉडल में हम घूमने वाली रेडिएटर की जाली दे रहे हैं सर। ऑटो क्लीनर, ऑटो क्लीनर बोला जाता है उसको टेक्निकली लैंग्वेज में। इसमें देखिए ऑटो क्लीनर जाली है, ये देखिए ऑटो क्लीनर जाली आ जाएगी आपको घूमने के लिए, ये ऑटो क्लीनर आ जाएगी। बाकी इसमें देखिए एलिवेटर हैं, ये आपके खुलते कर दिए हमने, ये खुलते हैं फोल्डेबल हैं आपके, है ना, फिक्स नहीं है ये, फिक्स नहीं है, है ना। ये नीचे से हमने यहाँ से इसकी जो शीट है वो अलग से दे दी है, कभी भी कोई दिक्कत आती है तो यहाँ इजीली खोल के इसको साफ कर, चोक वगैरह साफ कर सकते हैं, इजीली साफ हो सकता है ना। जो बर्म बॉडी है इसके साइज़ बड़ा कर दिया है पहले से, जो ब्लोर है ब्लोर का साइज़ बड़ा कर दिया पहले से हमने, इसका जो डाया होता है कहने का मतलब साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया, चौड़ाई बढ़ा दी है, क्योंकि पंखे की जो स्पीड है सफाई करने की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसे कैपेसिटी रहेगी उस हिसाब से ये सफाई बढ़ाएगा। और ये अपने जो फ्यूल टैंक है ये कितने लीटर का? फ्यूल टैंक इसका 385 लीटर है, 385 लीटर फ्यूल टैंक है इसका, ठीक है। बाकी इसमें जो अंदर वो सीप्स होती हैं वो बड़ी कर दी हमने पहले से, 92 इंच हैं अभी, 92 इंच, हाँ जी हाँ, पहले छोटी थी अभी बड़ी की। कितनी सीप है सर टोटल में? इसमें एक बड़ी होती है एक छोटी होती है, दो सीप होती हैं, ठीक है, वो डबल रहती हैं वो भी ऊपर नीचे, हाँ जी हाँ ऊपर नीचे रहती हैं। बाकी टेल देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन से की गई है। कटर बार इसका 14.5 फीट कटर बार आता है जी सर। इसमें जो रील होती है, रील के जो पाइप हैं 6 और 5 दोनों तरह के कंपनी दे रही है, एरिया के हिसाब से कुछ कस्टमर की डिमांड होती है 6 पाइप चाहिए, किसी को 5 चाहिए, है ना, उसी हिसाब से बना के दे रहे हैं। 5 चाहिए तो 5 दे देंगे, 6 तो 6 एज़ पर रिक्वायरमेंट दे रहे हैं ये भी। और देखिए ये टूल किट बड़ा दिया गया है, ये बड़ा टूल बॉक्स दे दिया इसमें, साफट वगैरह कुछ भी सामान ईजिली आप रख सकते हो, स्पेयर वगैरह इसमें जितना भी रखना चाहो। जो फ्रंट टॉकर है इसका 16 इंच फ्रंट टॉकर है, बाकी जैसे 14 इंच आते हैं, 16 का ये होता है, रीज़न क्या है, जब 16 होगा, जब बासमती को काटते हैं धान को काटते हैं तो 16 इंच की जो डाया बड़ा होने से क्या है इसके ऊपर इकट्ठा नहीं होगा वो, ठीक है, तो गाड़ी चोक नहीं होगी आपकी, हाँ ज़्यादातर यहीं तोड़ देता है, घुमा के इसको ईजिली अंदर ले जाएगा, ठीक है ना, तो मशीन के ऊपर भी लोड नहीं आएगा। यहाँ चोक होने से क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ टूटने की वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसका डाया हमने बड़ा कर दिया है। तो इस मशीन में कौन सा इंजन है सर अभी? इसमें अभी जो रखा हुआ है वो हमारा आइशर का इंजन यूज़ किया हुआ है इस गाड़ी के ऊपर, हाँ जो इसके ऊपर रखा अभी आइशर है, 137 हॉर्स पावर का इंजन रखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। बाकी स्टेपनी के लिए दिया हुआ है हमने, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज की हैं अभी, है ना, आने वाले टाइम में जैसे किसान भाइयों के सुझाव होते हैं तो हम इसमें बदलाव करते रहते हैं, है ना। तो इंजन देखना चाह रहे हैं ऊपर से, एक बार इंजन भी दिखा देते हैं आपको, है ना। और एक बात सर, जो किसानों की रहती है इसकी कीमत क्या रखी गई है सर अभी? इसकी जो कीमत है, जो सुपर डीलक्स मॉडल है हमारा, 23,85,000 है एक्सपेक्टरी। जो SMS लगेगा उसकी क्या रहेगी? SMS का सर अलग से रहता है, और 4x4 का भी अलग से, 4x4 का भी अलग से, वो एडिशनल रहेंगे आपके, वो चॉइस है, अगर किसी को चाहिए तो उसी हिसाब से उसको मिल जाएगा, एडिशनल है वो लगा दिया जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। और जैसे कि अपने किसान भाई अलग अलग राज्य से हैं, कोई MP से है, कोई UP से है, तो वो कैसे खरीद सकते हैं सर हार्वेस्टर? कोई उनको कंपनी विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पर डिलीवरी हो जाती है उनके, आपके पास डीलर है? विजिट भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, देखिए किसान हैं जो MP से लेके राजस्थान, छत्तीसगढ़ से लेके महाराष्ट्र तक के कस्टमर यहाँ विजिट करते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ आने से एक मकसद होता है, वो प्लांट भी देख लेते हैं और कंपनी की क्वालिटी कैसे मशीन बन रही है, बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं ना, सेटिस्फाई हो जाते हैं, मोस्टली कस्टमर सेटिस्फाई रहना चाहिए, है ना जी सर। दूसरा क्या है, जैसे आप बता रहे हैं इसको खरीदने के लिए, डीलर नेटवर्क है हमारा पैन इंडिया में, लोकेशन के हिसाब से कहीं से कोई इंक्वायरी आती है हमारे साथ है तो हम भी टैकल कर लेते हैं, इनकेस नहीं तो हमारे डीलर को फॉरवर्ड कर देते हैं, वहाँ लोकल रहेंगे सपोर्ट भी करते हैं, और कंपनी का खुद का नेटवर्क है, कंपनी खुद भी डील कर रही है, डीलर थ्रू ज़्यादा कर रहे हैं हम, है ना, क्योंकि डीलर रहेगा तो लोकल कस्टमर का भरोसा भी रहता है, टाइम टू टाइम बैंकिंग या बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और डीलर अवेलेबल कराते हैं। आदमी होता है उसके, नहीं वो चीज़ रहता है उसका, है ना। दूसरा क्या, जैसे आप फाइनेंस का पूछ रहे हैं ना, फाइनेंस भी इसके ऊपर मान के चलिए 60% से लेके 70% तक फाइनेंस हो रहा है, तो नेशनल और प्राइवेट फंड से आसानी से किसान भाई इसको खरीद सकते हैं। कुछ ऐसे हमारे इंडिया में क्या, कुछ राज्य ऐसे हैं यहाँ भी सब्सिडी भी आ रही है जी सर, है ना, उन राज्यों में भी सब्सिडी के लिए किसान भाई एप्लीकेशन अभी दे सकते हैं, कोटेशन लेके इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि आने वाले टाइम में सब्सिडी आ रही है तो किसान भाइयों को उस चीज़ का भी फायदा होगा। कौन कौन से राज्य में आ रही है सर? जैसे मान के चलिए अभी MP में शुरू हो रही है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़, और उसके बाद आपका गुजरात हुआ, बिहार तो ऑलरेडी चल ही रहा है आपका, है ना, तो ये 5 राज्यों में अभी सब्सिडी भी आने वाली है, उसके फाइल वगैरह सब लेने शुरू कर दिए डिपार्टमेंट में, सभी के लिए अपनी कंबाइन को मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है सब्सिडी में। हमारा देखिए, हमारा ऑलरेडी हमारा सब्सिडी में नाम है ना,
कल कोई भी किसान भाई इसको परचेज करता है तो ऐसा नहीं है कि सब्सिडी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, सब्सिडी दिया जाएगा उसको, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है हमारा। अभी कोई किसान है अपनी हार्वेस्टर को बुक करता है तो उसको कितने दिन के बाद ये मिल जाएगी सर? अभी बुकिंग सब्सिडी इसका हार्वेस्टर की डिलीवरी का प्रोसेस है। जैसे अभी टोकन मनी देने के बाद क्या होता है, बैंकिंग होती है, बैंकिंग प्रोसेस होने के बाद विद इन 7 डेज हम कस्टमर को गाड़ी हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है ना, टाइम टू टाइम डिलीवरी दे रहे हैं। अभी गाड़ी कंपनी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, अभी पर डे 7 से लेकर 8 गाड़ी प्रोडक्शन बन रही है, तो रूटीन में गाड़ियाँ जा रही हैं, अभी भी आप देख रहे हैं 5-6 गाड़ियाँ रेडी खड़ी हुई हैं डिस्पैच डिलीवर होने के लिए। तो डिलीवरी टाइम टू टाइम देने के लिए मेन चीज़ वही है, उस पर फोकस कर रहे हैं कि किसी की गाड़ी लेट नहीं होनी चाहिए, है ना, तो टाइम टू टाइम डिलीवरी देने के लिए कंपनी तैयार है। तो सर किसान जैसे कि इस मशीन से कौन कौन सी मेन फसलों की कटाई कर सकते हैं? अभी जो हार्वेस्टर हैं मोस्टली मल्टी क्रॉप ही आते हैं, जैसे हमारा ये हार्वेस्टर है मलकीत का 997, इससे आप धान, गेहूं, सोयाबीन, चना, सरसों, मूंग, मक्का, हर चीज़ काट सकते हैं, इससे थ्रेशिंग होता है, मल्टी क्रॉप है, इसमें दोनों थ्रेशर रहते हैं, गेहूं और धान का रहता है, वो अलग अलग क्रॉप के ऊपर उसी हिसाब से यूज़ किया जाता है, वो फोरमैन अपना अच्छे सेट करके चेंज करके उसको सेटिंग करके इजीली थ्रेशिंग कर सकते हैं इससे। अभी तो मल्टी क्रॉप आ रहे हैं सब किसान भाइयों के लिए, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद होता है ना, एक या दो फसल ही काटे तो कंपनियाँ इस चीज़ को मल्टी क्रॉप बना दी है अभी, है ना जी सर, तो इजीली सब तरह की फसल इससे किसान भाई अभी थ्रेशिंग कर सकते हैं जी सर, ठीक है ना। और इस मशीन की सर जो गारंटी या वारंटी है वो कितनी साल की रहती है सर? इसकी जो रहती है, देखिए हमारी जो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से 6 मंथ गारंटी, 6 मंथ वारंटी पीरियड होता है इसका, 6 महीने गारंटी ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी गाड़ी चलेगी पैन इंडिया तो वहाँ सर्विस अवेलेबल रहेगी आपकी, है ना। उसके बाद क्या होता है, वारंटी पीरियड शुरू होता है, उसमें भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है, लेकिन उसके जो चार्जेस होते हैं मटेरियल के वो कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं, आउट ऑफ वारंटी हो जाती है जो। जैसे सर किसान ने 6 महीने तक किसी एक फसल में चलाई, उसके बाद अन्य फसल में चलाता है तो उसमें मशीन कई बार उनसे सेट नहीं हो पाती, तो क्या कंपनी उनकी सहायता के लिए बाद में हो जाती है? कस्टमर उसकी सहायता, कंपनी सहायता के लिए एग्री है, जब भी कोई कस्टमर मान के चलिए आज गेहूं काट रहा है, गेहूं के बाद धान के लिए तैयारी करेगा, कहीं कोई फॉल्ट आ रहा है, सेटिंग नहीं बैठ रही है, तो कंपनी कॉल करेंगे तो हमारा बंदा वहाँ पहुँचता है और सेटिंग वगैरह बना के उनको चला के दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो किसान के साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाते हैं? जी जी, लाइफ टाइम के लिए, देखिए सर्विस लाइफ टाइम के लिए है ना, कस्टमर को अवेलेबल है कंपनी की तरफ से, 24 आवर सर्विस है, कभी भी कॉल करेंगे तो हमारा बंदा वहाँ पहुँचता है उनके पास। थैंक यू सर किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए, धन्यवाद कार ड्रीम का भी।